नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, इस विषय के संबंध में जानेंगे। कंपनी की पूंजी संरचना दीर्घकालीन पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, जो दो प्रकार की पूंजी से मिलकर बनती है। अब होता क्या है कि एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल से बना हुआ होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल से बना हुआ था। तो जो लॉन्ग टर्म की जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल की आवश्यकता होती है, उसके लिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू करती है। तो लॉन्ग टर्म पूंजी दो प्रकार की पूंजी से मिलकर बनती है। पहला है हंस पूंजी, शेयर कैपिटल, और दूसरा है डिवेंचर्स। ठीक है, अब यहाँ पर शेयर कैपिटल के अंतर्गत क्या आएगा, प्रिफ्रेंस शेयर आएगा और इक्विटी शेयर आएगा, जो कि शेयर कैपिटल आएगा। जबकि ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र व अन्य दीर्घकालीन ऋणों को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें यहाँ पे डिबेंचर्स होता है या कोई किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म बॉन्ड वगैरह होता है, तो दीर्घकालीन ऋणों की श्रेणी में आएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 30 के अनुसार ऋण पत्रों के अंतर्गत ऋण पत्र, स्कंदन, बॉन्ड्स व ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती हो या नहीं करती हो। ठीक है, यहाँ पे जो डिबेंचर्स है वो एक प्रकार से डेट है, वो एक ऋण है। जो डिबेंचर होल्डर होता है उसको क्या होता है, ब्याज का भुगतान होता है, और कंपनी के लिए वो एक तरीके से क्रेडिटर होता है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित एक प्रमाण पत्र है, जो सामान्यतः कंपनी को संपत्ति चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो ऋण पत्र होता है एक सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है, और ये इस पर कंपनी की कॉमन सील लगी हुई थी, उसका कॉमन, उसको क्या कंपनी क्या करती है, सर्टिफाइड करती है, और ये क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। कंपनी ब्याज देती है, और ये मतलब यदि कंपनी लॉस की सिचुएशन में जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि संपत्तियों को बेचने पर जो भी राशि प्राप्त होगी तो डिबेंचर होल्डर को भुगतान किया जाएगा। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, अपनी आवश्यकता की समाप्ति ऋण पत्रों का पैसा वापस लौटा दिया जाता है, जिसे ऋण पत्रों का शोधन कहा जाता है। मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या हो गया कि जब आवश्यकता की समाप्ति हो जाती है तो ऋण पत्रों का पैसा क्या होगा, वापस डिबेंचर, जिस जो डिबेंचर का जो खरीदार था उसको वापस वो लौटा दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स, कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की पावती है, जो प्रमाण पत्र के रूप में ऋणदाता को दी जाती है। मतलब डिबेंचर होल्डर के को एक एक्नॉलेजमेंट होती है उसके पास में, वो क्या होता है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है जो उसको कंपनी द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक ऋण पत्र का अंकित मूल्य पूर्व निर्धारित होता है, जो भी उसकी फेस वैल्यू पहले से डिसाइडेड होगी। यहाँ पे क्या इशू, जस्ट जैसे प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर का जो रूल्स रेगुलेशन है, जिस प्रकार से वो इशू किए जाते हैं, सेम उसी प्रकार से ये किया जाता है। ये भी क्या होगा, एट पार इशू हो सकता है, एट सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो सकता है, एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित व घोषित दर से ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत किया जाता है। ऋण पत्र धारियों को हंसधारियों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो क्या है कंपनी के लेनदार है, इसलिए वो क्या है, एक तरीके से कंपनी के स्वामी नहीं है, वो ऋणदाता है कंपनी के लिए, तो उनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। निर्गमन की शर्तानुसार एक निश्चित समय के पश्चात ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डम्सन कहते हैं। सामान्यतः ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं, कि एक्चुअल में क्या है, लेस रिस्की है ये। मतलब कि जब कंपनी मान लो लॉस में है और उसका समापन होने जा रहा है, तो डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स।
ठीक है, यहाँ पे अपने को ये चीज़ भी समझना आवश्यक है कि शेयर और डिबेंचर में क्या फ़र्क है। ये है पहला जो डिफरेंस का बेसिस है, वह हिस्सा या स्वीकृति। हंस कंपनी की पूंजी का हिस्सा है, जो शेयर होता है वो कंपनी की कैपिटल है। ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है, ये एक तरीके से क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है डिबेंचर्स, ठीक है। जबकि शेयर कैपिटल का पार्ट शेयर होता है। फिर है स्थिति, हंसधारक को स्थिति होती है, ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो शेयर होल्डर होगा वो जो शेयर को खरीद रखा है उसका कंपनी में शेयर है तो वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर। जबकि ऋण पत्रधारी क्या कहलाएगा, डिबेंचर होल्डर। स्वामित्व मैंने बताया आपको, जो शेयर जिसके पास होता है वो कंपनी का असल में स्वामी होता है, और जो डिबेंचर होल्डर है वो क्या हो, ओनली वो ऋण प्रोवाइड करवा रहा है कंपनी को लाभांश एवं ब्याज। लाभ की स्थिति में शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा, लाभांश दिया जाएगा, और ऋण पत्र जो धारक है उसको क्या होगा, ब्याज की प्राप्ति होगी, चाहे कंपनी को लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो। और समापन पे क्या होगा, ऋण पत्रों के भुगतान पे जो भी शेष बचेगा वो उन फिर उसके बाद में शेयर होल्डर्स को भुगतान होगा, जबकि ऋण पत्रधारियों को पहले ही भुगतान हो जाएगा। अब आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स का होता है उसी प्रकार से होता है, बस थोड़ी बहुत बदलाव होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अनुसार संचालक मंडल ऋण पत्र निर्गमित करके पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं, किंतु धारा 180 के अनुसार यदि वर्तमान में जारी किए जाने वाले ऋण पत्र या पूर्व में जारी ऋण पत्र व लिए गए ऋणों का योग यदि कंपनी के प्रदत्त हंस पूंजी व मुक्त संचय के योग से अधिक है तो नए निर्गमन से पूर्व संचालक मंडल के अंशधारियों की सभा में इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद में आता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 व 53 ऋण पत्रों के निर्गमन पर लागू नहीं होती है, अर्थात ऋण पत्रों के निर्गमन पर देय बट्टे प्राप्त प्रीमियम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता तो बट्टा एक पूंजीगत हानि होगा, जिसे कंपनी को ऋण पत्रों के जीवन काल में कभी भी पूंजीगत लाभ या आयगत लाभ से अपलिखित करना होगा, ठीक है। ये क्या होगा, यदि उसको कैपिटल लॉस होता है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ होना करना पड़ेगा। जब तक इसे अपलिखित नहीं कर लिया जाता, इस चिट्ठे में अदर करंट नॉन करंट असेट्स शीर्षक में दिखाते हैं। अर्थात ऋण पत्रों के शोधन पर मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पर बट्टे की राशि का कोई से पुस्तकों में रहना नहीं चाहिए। ऋण पत्रों के निर्गमन पर लेखांकन उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से शेयर्स का किया जाता है, केवल कुछ मदों के का उपयोग होगा। हंस निर्गमन का उपयोग की गई मदों को ऋण पत्र निर्गमन पर निम्न प्रकार उपयोग में लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ओनली आपको जो जनरल एंट्रीज आप एट पार एट सिक्योरिटी प्रीमियम एट डिस्काउंट पे करते थे उसी प्रकार से आपको एंट्रीज करनी है, यहाँ कुछ टर्म्स हैं वो चेंज हो जाएगी। जब अपन इश्यू ऑफ शेयर्स में करते थे तो वहाँ लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर अलॉटमेंट डिबेंचर फर्स्ट कॉल डिबेंचर सेकेंड कॉल। और शेयर कैपिटल लिखते थे अपन वहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर्स, और इधर लिखते थे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो जो जनरल एंट्रीज अपन कर रहे हैं वो उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी या प्रिफरेंस शेयर होल्डर में प्रिफरेंस शेयर को इशू करते थे, जब वो जैसी एंट्री करते थे उसी प्रकार की एंट्री डिबेंचर्स के केस में होगी। तो इस प्रकार से अपन ने बेसिक ये जाना कि डिबेंचर्स में क्या, डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या फ़र्क है, डिबेंचर्स की क्या विशेषताएँ हैं, क्या अर्थ है, और उनका निर्गमन किस प्रकार से किया जाएगा, उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस प्रकार से की जाएगी।